नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। आइए मित्रों, अब लेते हैं छठवीं राशि कन्या यानी वर्गो। वर्गोस, आपके लिए 29 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। इस दिन आप भी चैलेंज लेना पसंद करेंगे, आपको चैलेंजेस अच्छे लगेंगे। आप चुनौतियों से पीछे नहीं हटेंगे, उनका डटकर सामना करेंगे और काफ़ी सारी चुनौतियों में आपकी विजय संभव है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चुनौतियां वही स्वीकार करें जिनके बारे में आप वेरीफाइड हों, आपको पूरा विश्वास हो कि आप इनसे आसानी से निपट सकते हैं। उन चुनौतियों को स्वीकार करने की गलती मत करिएगा जिनके लिए आप बिल्कुल ये जानते हों कि यह आपके वश में नहीं है। अपने आप को जितना ज़्यादा सक्षम दिखाने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा आप शाइन करेंगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक सक्षम दिखाने से आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे इस दिन परिवार व मित्रों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कुछ मामलों में परिवार भी आपको आजमा सकता है। आपको कुछ सिचुएशंस दी जा सकती हैं जिनमें से आपको चुनने को कहा जाए। आपको सच्चाई की ओर जाना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए, स्वार्थ को छोड़ करके चुनाव करना चाहिए अगर ऐसा कोई मौका आता है तो। 30 अगस्त के दिन आप धन को लेकर एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि अपने धन को किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करना है या चुपचाप इसे पड़े रहने देना है। ऐसी कंडीशन में आपको सलाह दी जाएगी कि आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें। अगर आप अपने धन को पड़े रहने देते हैं तो भी ये आपका निर्णय होगा, और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप उसकी मदद करने के लिए कितना तत्पर हैं, कितना तैयार हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपके द्वारा की गई मदद पर आप अगर कोई वापसी की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपने वापसी की अपेक्षा से कोई मदद किसी को करी तो आपके लिए यह फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि किसी बात की अपेक्षा को ध्यान में रखकर की गई मदद वास्तव में मदद नहीं होती, एक प्रकार का व्यापार होता है। तो इस दिन व्यापार ना करें, अगर किसी की मदद करनी है तो दिल से करें, अन्यथा ना करें। वैसे 30 तारीख को आप काफ़ी मिलनसार व्यक्ति रहेंगे, आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी सामाजिक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, मित्रों में आपकी स्वीकार्यता और बढ़ जाएगी। 31 अगस्त के दिन आप एक प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा दो प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत या आर्थिक। अगर व्यक्तिगत यात्रा है तो आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थी होने की ज़रूरत है। आप अपने स्वार्थ को पीछे न छोड़ें, किसी भी व्यक्ति के फायदे को न सोचें, सिर्फ अपने फायदे की सोचें। लेकिन अगर आपकी यात्रा आर्थिक है, व्यापारिक है, वाणिज्यिक है, तो अपने स्वार्थ को दरकिनार कर दें, फिर एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचें जो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ से रहित है। वह व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी का नुकसान नहीं करेगा। एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि 31 अगस्त के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का सीधा प्रभाव समाज में आपकी इमेज पर पड़ेगा, इसलिए अगर आप अपनी इमेज को और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करें, और अगर आपको अपनी इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं। मित्रों, 1 सितंबर का दिन आपके जीवन में बड़ा बढ़िया रहेगा। इस दिन आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, और लोगों का आपके प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा और सुगम रहेगा। अगर आपकी आयु विवाह योग्य है तो आपके विवाह के प्रस्ताव पर चर्चा इत्यादि चल सकती है, और अगर आपका विवाह हो गया है या आप किसी संबंध में हैं तो आपका अपने साथी के साथ इस दिन बहुत ही बढ़िया प्रेमपूर्ण संबंध बना रहेगा। एक यादगार दिन की तरह आप इसे ले सकते हैं। 1 सितंबर के दिन आपसे जो लोग भी मिलेंगे वे आपसे मिल करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका व्यवहार इतना मीठा, इतना मृदुल, इतना सरल होगा कि लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। परिवार में इस दिन आपकी इमेज बढ़ेगी, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी और मित्रों में भी आपका वर्चस्व स्थापित होगा। ओवरऑल इन चारों दिनों में कन्या राशि, किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों के लिए 29 और 30 तारीख थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करने वाली तिथियां हैं, बाकी 31 और 1 तारीख बढ़िया हैं। वैवाहिक जीवन वालों के लिए केवल 29 तारीख को थोड़ी सी सावधानी बरतनी आवश्यक है, बाकी 30, 31 और 1 अच्छे हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो 31 और 1 तारीख सबसे अच्छे हैं, 30 तारीख सामान्य है, 29 तारीख सामान्य से हल्का है। तो मित्रों, ये था दैनिक राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के लिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
नमस्कार।